नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। उत्तर प्रदेश की बाहुबली नेता और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश योगी सरकार और पंजाब अमरिंदर सिंह सरकार आमने सामने हैं। पंजाब सरकार रोपर जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजने से इनकार की। सुप्रीम कोर्ट से पिछली सुनवाई में पंजाब सरकार से मुख्तार अंसारी को लेकर हलफनामा पेश करने को कहा था। जेल प्रशासन की ओर से दाखिल हलफनामे में अंसारी के स्वास्थ्य को हवाला दिया गया था। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्तार पर मऊ, गाजीपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में 38 मुकदमे दर्ज हैं। आइए आपको बताते हैं आगे की खबर। गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने मुख्तार अंसारी एक भारतीय माफिया डॉन और उत्तर प्रदेश के राजनेता हैं। अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड 5 बार विधायक चुने गए हैं। वह अन्य अपराधों सहित कृष्णानंदन राय हत्या के मामले के मुख्य आरोपी थे, लेकिन अंसारी को दोषी नहीं ठहराया गया है। अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार के रूप में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता और अगले दो, जिसमें एक स्वतंत्र के रूप में 2007 में अंसारी बसपा में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा लेकिन असफलता मिली, जिसके बाद बसपा ने 2010 में उन्हें आपराधिक गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बाद में उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। वह उत्तर प्रदेश विधायी विधानसभा चुनाव 2012 में मऊ सीट से विधायक चुने गए। 2017 में बसपा के साथ कौमी एकता दल को विलय कर दिया और बसपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में 5वीं बार विधायक के रूप में जीते थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए अनामिका सिंह की रिपोर्ट।